Hello students, so today's our topic is electrolysis, ठीक है? तो जैसे नाम से भी चलता है, lysis means breaking, and this term electro, ये derive हुआ, is derived from electricity means breaking of electrolyte by the passage of electricity. लेकिन देखो साथ में ही electricity जो है electrolyte में जो conduct करता है जो electricity को वो केवल दो state में करता है, या तो वो dissolved state में हो या तो फिर वो melted state में हो. Solid state में ये conduct नहीं करता है इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को. क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ये ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग होती है इलेक्ट्रोलाइट की विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बशर्ते कि इलेक्ट्रोलाइट हो किस फॉर्म में, आइदर इन सॉल्यूशन फॉर्म और इन डिसॉल्व्ड स्टेट. तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन कर सकते हैं एज इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस of decomposition of an electrolyte with the passage of electricity, ठीक है, through its aqueous solution or molten state. Is it clear? अब देखो, when electricity will be passed, तो क्या हो जाएगा कि जो electrolyte है gets decomposed, टूट जाएगा, means जो उसका composition है वो change हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब सम केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस. तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स अगेन एक्वस सॉल्यूशन और थ्रू इट्स मोल्टन स्टेट. इज इट क्लियर? अब देखिए, जो कंटेनर जिसमें कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, so that container is called electrolytic cell. ठीक है, container in which electrolysis takes place, that one is called electrolytic cell. ठीक, अब देखिए, electrolytic cell में there's a container और इस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड्स प्लेस होते हैं. ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक यहां इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होता है. अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है और ये इसकी मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है. ठीक है, और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है रिमेन्स कनेक्टेड विद एक्सटर्नल सर्किल. ठीक है, इलेक्ट्रोड रिमेन्स कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है रिमेन्स नेगेटिवली चार्ज्ड. यहां पर ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, दिस एक्ट्स एज एनोड. बेसिकली एनोड कहते किसे हैं? इलेक्ट्रोड ओवर विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. और ये नेगेटिव टर्मिनल काम करता है काहे का? कैथोड का. और कैथोड इज द टर्मिनल ओवर विच रिडक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा प्रोड्यूस जो नेगेटिव आयन होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव टर्मिनल पर डिस्चार्ज हो जाता है और जो पॉजिटिव आयन होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज हो जाता है. ठीक है, अब मान लो फर्स्ट केस में हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट की को ले रहे हैं, लेकिन
हम इस समय उसकी केवल मोल्टन स्टेट ले रहे हैं। मान लो हमने चाहे NaCl ले लिया या BaCl2, PbCl2 ले लिया, BaCl2 ले लिया, कुछ भी ले लिया हमने, तो हम इसकी मोल्टन स्टेट ले रहे हैं। तो जब मोल्टन स्टेट होगा तो इसमें केवल दो आयन होंगे, मींस एक तो उस सॉल्ट का, माना मैंने NaCl लिया तो इसके अंदर केवल दो ही टाइप के आयन है, एक Na+ और एक Cl- आयन, ठीक है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे Cl- आयन मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ और यहां जाके डिस्चार्ज हो जाएगा, Na+ मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ और वहां जाके डिस्चार्ज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने NaCl का ही एक्वस सॉल्यूशन ले लिया तो उस केस में, यानी इसमें वाटर भी है, तो उस केस में वाटर भी तो डिसोसिएट होगा, वाटर के द्वारा भी OH- और H+ आयन भी बनेंगे। तो अब क्या होगा जब आप एक्वस सॉल्यूशन का, यानी इसके सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे होते हैं, तब क्या होगा? तो यहां पर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ Na+ भी जाएगा और H+ भी जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ Cl- और OH- दोनों माइग्रेट करेंगे। अब इन दो आयन में से कौन सा डिस्चार्ज होगा, Cl- और OH- में से, या H+ और Na+ में से नेगेटिव टर्मिनल पर कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। तो विच आयन विल गेट डिस्चार्ज्ड, तो ये जो कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा ये डिपेंड करता है दो चीजों पर। तो डिस्चार्जिंग ऑफ आयन डिपेंड्स ओवर दो चीजों पर डिपेंड करता है, पहला डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयन, ठीक है, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एन आयन मींस द पोटेंशियल एट विच एन आयन इज डिस्चार्ज्ड, ठीक। एक तो आयन के डिस्चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड यूज, वो जो इलेक्ट्रोड है वो किस मटेरियल का बना है, ये इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयन और दूसरा मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड, इज इट क्लियर। अब जनरली ये देखा गया है, कि जो आयन Having जिसका lower discharge potential ion having lower discharge potential gets discharged in preference to other ion having higher discharge potential, means अगर ये वाली सिचुएशन होती है कि दो नेगेटिव आयन है दोनों पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएंगे, या दो पॉजिटिव आयन है दोनों नेगेटिव टर्मिनल पे जाएंगे, तो आयन तो एक ही डिस्चार्ज होगा, तो कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा? तो यूजुअल देखो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल पर और दूसरा कि मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज, ठीक है। तो ये पाया गया है ये कि दो आयन में से वो आयन प्रेफरेबली डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, ठीक है, मींस आयन हैविंग लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है, गेट्स डिस्चार्ज इन प्रेफरेंस विद द अदर आयन हैविंग हायर डिस्चार्ज पोटेंशियल, इज इट क्लियर। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस
ऑफ लेड ब्रोमाइड मींस PbBr2, ठीक है, और ये यहां पर फ्यूज्ड स्टेट में है, यानी PbBr2 है लेकिन कौन सी स्टेट में, मेल्टेड स्टेट में। तो जो PbBr2 होगा इन मेल्टेड स्टेट, लिक्विड फॉर्म में है ये, तो इसमें दो आयन है, एक Pb2+ आयन है और एक दो Br- आयन है, ठीक है। और जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, देखो ये हो गया कंटेनर, ठीक, दो इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो गए, बाहर से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ये पॉजिटिव टर्न है नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव वाला एनोड कहलाता है और ये नेगेटिव वाला कैथोड है, और इसके अंदर नाउ इट इज हैविंग टू आयन Pb2+ आयन एंड Br- आयन, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे Br- आयन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ माइग्रेट करेंगे और Pb2+ आयन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो यहां पर विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर एट एनोड, यहां पर क्या चेंज होगा, एनोड यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एनोड इज द टर्मिनल या इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव है ना, तो दिस नेगेटिव आयन इस पे आएगा और ये जो Br- आयन है इसका ऑक्सीडेशन होगा, इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, Br एटम की फॉर्म में आ जाएगा, और सच टाइप ऑफ टू Br एटम्स ये कंबाइन होंगे, क्योंकि Br इंडिविजुअल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है या कोई भी एटॉमिक फॉर्म में, तो ये क्या फॉर्म कर देगा यहां पर Br, ठीक है। अब यहां पर दो Br लेने के लिए इट मींस हमें यहां पर दो Br चाहिए, तो इट मींस दो Br- आयन होंगे और दो, क्लियर। अब यहां पर से, यहां पर से ब्रोमीन फ्री हो जाएगी, यहां पर से ब्रोमीन फ्री हो गई, अब जो दो इलेक्ट्रॉन ये फ्री हुए ये इस एक्सटर्नल सर्किट से यहां पहुंचेंगे, दो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे, और अब एट कैथोड, कैथोड पे, कैथोड इसमें नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड इज द इलेक्ट्रोड ओवर विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो Pb2+ आयन है विल गेन द टू इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड से आएंगे और विल डिपॉजिट ओवर दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई आयन इलेक्ट्रॉन दे करके या ले करके अगर न्यूट्रल स्पीसीज बनाता है, जैसे यहां पर ये न्यूट्रल स्पीसीज बनी है, यहां पर ये न्यूट्रल स्पीसीज बनी है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में इसको कहते हैं ये प्राइमरी चेंज हुआ, दिस इज प्राइमरी चेंज, ये वाला भी प्राइमरी चेंज हुआ, ठीक है। अच्छा, कई बार प्राइमरी चेंज के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो एज सच ऑप्टेन हो जाता है, जैसे कि यहां पर हुआ ये पीवी, वन कैन कलेक्ट दिस वन, लेकिन कई बार जैसे फर्स्ट केस में देखिए कि जो प्राइमरी चेंज के बाद जो प्रोडक्ट बना Br एटम ये एज सच कलेक्ट नहीं होता, तो क्या करता है, ये जो प्रोडक्ट मिला प्राइमरी चेंज के बाद वो एंड प्रोडक्ट फॉर्म करता है Br2, तो इसको अगर प्राइमरी प्रोडक्ट फर्दर चेंज हो रहा है तो इसको कहते हैं क्या, सेकेंडरी चेंज, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि प्राइमरी प्रोडक्ट के बाद बनने वाला प्रोडक्ट, ठीक है, वो उसी फॉर्म में कलेक्ट होता है, कई बार प्राइमरी चेंज के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है वो अंडरगोज सेकेंडरी चेंज और तब सेकेंडरी चेंज के बाद बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उस फॉर्म में कलेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि इस केस में हुआ, इज इट क्लियर। तो ठीक इसी तरह से हम कर सकते हैं
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हो। इस केस में भी केवल दो आयन है, एक Na प्लस आयन और एक Cl माइनस आयन। तो पॉजिटिव पर क्लोरीन लिबरेट हो जाएगी और नेगेटिव टर्मिनल पर सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो हम एक और केस देखते हैं। इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। एक्वस NaCl सॉल्यूशन, एक्वस NaCl सॉल्यूशन में NaCl डिसॉल्व है। तो इट मींस कंडीशन क्या होगी, देखो यहां NaCl है और व्हेन इज डिसॉल्व इन वाटर कम्स इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और वाटर ऑल्दो इट इज पार्शियली दिस आयोनाइज्ड, लेकिन वाटर फॉर्म्स H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो इट मींस यहां पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में चार आयन होंगे, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। अब आपने ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, बाहर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके अंदर Na प्लस भी है, H प्लस भी है, Cl माइनस भी है और OH माइनस भी है। तो क्या होगा, Cl माइनस और OH माइनस दोनों पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे, Na प्लस और H प्लस दोनों के दोनों नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। अब होगा क्या, यहां पर एट एनोड, एनोड मींस यहां पर अगेन ये कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव, और एनोड पर प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब पॉजिटिव पे कौन जाएंगे, Cl- और OH-। अब जैसे मैंने पहले कहा दो आयन जा रहे हैं, डिस्चार्ज एक होगा, अब कौन सा होगा, तो विच आयन विल गेट डिस्चार्ज डिपेंड्स ओवर टू फैक्टर्स, एक कि मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज्ड, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, इनर्ट मेटल का है, प्लेटिनम वगैरह, ठीक है। तो यहां पर Cl- और OH- दो जाएंगे। अब इन दो आयन में से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो Cl- और OH- में से Cl- का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो कम होता है, तो इसका डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फॉर्म कर देगा Cl एटम, ठीक है। देखो चार्ज स्पीशीज न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट हो गई, तो ये जो है इसका ये कौन सा हो गया, प्राइमरी चेंज। अब ये Cl एज सच एटॉमिक फॉर्म में कलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो सच ऐसे दो Cl एटम कंबाइन होते हैं और फॉर्म कर देते हैं क्या, Cl2 आफ्टर सेकेंडरी चेंज। तो जो प्राइमरी चेंज के बाद Cl बना वो दैट अंडरगोस सेकेंडरी चेंज एंड फॉर्म्स क्या, Cl2, और ये Cl2 यहां से लिबरेट हो जाती है, ठीक है। अब जो देखो दो Cl लेने के लिए आपको दो Cl- लेने पड़ेंगे, यानी ओवरऑल यहां आपको 2NaCl लेना पड़ेगा, और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए वी हैव टू टेक टू वाटर मॉलिक्यूल्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। समझ में आया? अब देखिए जो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां फ्री हुए, ये एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू पहुंचेंगे कहां, कैथोड पे, और अगेन एट कैथोड, कैथोड यहां पर नेगेटिव टर्मिनल होता है और इस पर होता है रिडक्शन, ठीक है। अब यहां पर दो आयन जाएंगे, Na प्लस और H प्लस, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर जिस आयन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन ज्यादा होता है, तो
H plus आयन का reduction potential Na plus से ज्यादा होता है, तो H plus will get reduced, तो ये H plus electron लेगा और H atom की form में आ जाएगा. Again this one is primary change, ठीक है. और such type of two H atoms ये combine होंगे और form कर देंगे क्या, H2. This one is secondary change, ठीक है. तो to obtain two H atoms ये the two H also gained by two H plus to form the two H atom. Is it clear? यानी जो net reaction हुई, तो इसमें क्या हुआ, net reaction में कि at anode we are getting what, chlorine. कैथोड पे हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन. मींस ये क्लोरीन और हाइड्रोजन फिनिश हो गए, तो अब कंटेनर के अंदर क्या बचा, Na और OH. तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस NaCl सॉल्यूशन एट एनोड क्लोरीन इज ऑब्टेन लिबरेटेड, एट कैथोड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, व्हाइल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन्स इन. तो अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल है ये, इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर. एक्चुअली वाटर का जो डिसोसिएशन होता है बहुत कम होता है, ठीक है. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. सो डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होता है वाटर को 10^-14 होता है, ठीक है. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, ये पार्शियली आयोनाइज्ड रहता है, तो इस कारण ये बहुत पुअर कंडक्टर होता है. तो टू मेक इट बेटर कंडक्टर इसको एसिडिफाई किया जाता है, ठीक है. और जो एसिडिफिकेशन किया जाता है वाटर का यहां पर, तो वो किया जाता है बाय एडिंग H2SO4, ठीक है. तो यानी कि इसमें H2O है और H2O के डिसोसिएशन से H प्लस और OH माइनस सॉल्यूशन में रहेंगे ही. इसके साथ इन एडिशन टू दिस H2SO4 हमने इसमें ऐड किया है, और ये H2SO4 जो है ना, ये भी डिसोसिएटेड रहेगा और ये इसके द्वारा बने H प्लस आयन और सल्फेट आयन भी इसमें रहेंगे, ठीक है. यानी कि इसके एक्वस सॉल्यूशन में कुल तीन टाइप के आयन हुए, एक तो H प्लस विच इज कॉमन दोनों के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन नेगेटिव आयन दो है. अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे यहां पर, तो एट एनोड यानी यहां पर भी एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, पॉजिटिव होगा, और इस पर प्रोसेस जो होगा दैट विल बी ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस. अब क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव है तो OH माइनस भी और SO4 दो आयन माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द एनोड, लेकिन फिर वही डिस्चार्ज कौन सा होगा, तो डिस्चार्ज वो होगा, वो आयन डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा. और OH माइनस और SO4 टू माइनस में से OH माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो यानी यहां पर ये OH माइनस आयन डिस्चार्ज होगा, विल गेट ऑक्सीडाइज्ड और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और OH की फॉर्म में निकल जाएगा, और इस टाइप के ये 4 OH आपस में कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे 2H2O प्लस O2. टू ऑब्टेन 4 OH हमें यहां 4 OH माइनस लेने पड़ेंगे विच विल लिबरेट लूज द 4 टर्म्स, यानी कि यहां पर आपको ये 4 OH माइनस और 4 H प्लस लेने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, और टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर ट्वाइस ऑफ H2SO4 लेना पड़ेगा, तब ये 4 H प्लस और ये हो जाएगा 2 SO4, ठीक है.
अब देखो जो इलेक्ट्रॉन ये फ्री हुए कहां एनोड पर, ये एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू पहुंचते हैं कहां, एट कैथोड। ठीक है, यहां पर कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है और इस पर होता है क्या रिडक्शन। ठीक है, यहां देखो OH- लिब्रेट डिस्चार्ज हो चुका है, SO4 2- आयन विल रिमेन इन सॉल्यूशन। अब क्या होगा यहां पर H+ आयन आर देयर, तो H+ आयन गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स H एटम और सच टाइप ऑफ H एटम्स कंबाइंस टुगेदर फॉर्मिंग व्हाट H2 और ये H2 की फॉर्म में लिब्रेट हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, यानी आप इस नेट रिएक्शन को लिख सकते हैं इस तरह से, तो यहां पर वाटर के ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोलाइसिस पर एट एनोड हमें ऑक्सीजन मिलती है जबकि कैथोड पर H हाइड्रोजन मिलती है। नेट रिएक्शन कैन बी डन लाइक दिस, 4H2O और यहां पर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। ठीक है, फोटॉन रिलीज हुए तो 4H प्लस 4 2H2। अब देखिए और एज अ रिजल्ट यहां पर आपको मिल गया 2H2O प्लस O2, ये तो एनोड पर, प्लस 2H2 ये कैथोड पर। और आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि और सेम रिएक्शन कैन रिटन लाइक दिस, ट्वाइस ऑफ H2O और यहां हम पास कर रहे हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी और एज अ रिजल्ट एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन लिब्रेट हो रही है। लेकिन ड्यूरिंग दिस चेंज देखो चार इलेक्ट्रॉन एनोड पे लिब्रेट हो रहे हैं और चार गेन हो रहे हैं कहां पर, कैथोड पर, यानी यहां पर एक्सचेंज ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ये हम यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की हेल्प से कर सकते हैं या कॉपर इलेक्ट्रोड की हेल्प से कर सकते हैं। तो पहले हम इसको कर रहे हैं यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, दैट इज हम यहां पर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स यूज करके कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो जाएगा, फॉर्म करेगा कॉपर आयन और सल्फेट आयन। ठीक है, वाटर आयनाइज रहेगा और H प्लस और OH माइनस आयन। नाउ यहां पर एनोड पर एनोड यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एनोड इज द टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन ओवर विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन SO4 और OH- आयन दोनों माइग्रेट करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बोला कि OH- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है तो OH- विल गेट डिस्चार्ज फर्स्ट इन प्रेफरेंस, तो ये OH- ऑक्सीडाइज जाएगा फॉर्म करेगा OH और सच टाइप ऑफ 4OH कंबाइंस टुगेदर और ये फॉर्म करेंगे 2H2O प्लस O2। ठीक है, 4OH ऑब्टेन करने के लिए यहां पर 4OH- चाहिए, 4OH- लेने के लिए
वो वाटर मॉलिक्यूल्स लेने होंगे। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहां पर दो कॉपर आयन और दो ही सल्फेट आयन लेने होंगे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां पर एनोड पे फ्री हुए, ये एक्सटर्नल सर्किट से कहां पहुंचेंगे, कैथोड पे, और उसके बाद एट कैथोड, कैथोड यहां पर नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड इज द इलेक्ट्रोड ओवर विच व्हाट रिडक्शन टेक्स प्लेस। अब यहां पर कॉपर आयन और एच प्लस आयन दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। यहां पर कॉपर का रिडक्शन होगा क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये जो कॉपर आयन है gets reduced और will deposit in the form of copper। तो यहां पर दो Cu2+ है, will gain all the four electrons और ये 2 Cu के form में deposit होता है। यानी कि by during the electrolysis of aqueous copper sulfate solution using platinum electrode, inert electrode, anode पे आपको oxygen और cathode पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और दिस टाइम यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रॉन। तो इस बार कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ही इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कॉपर के हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट था एक्वस, तो डिसोसिएट रहेगा, फॉर्म्स कॉपर आयन और सल्फेट आयन, ठीक है, और वाटर भी डिसोसिएटेड रहेगा और H प्लस आयन और OH माइनस आयन। इट मींस सॉल्यूशन में यहां ये फोर आयन्स रहेंगे, कॉपर आयन SO4 आयन, 2 माइनस आयन H प्लस आयन और OH माइनस आयन। नाउ एट एनोड, तो एनोड इस केस में भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव होता है और इस पर एनोड इज द इलेक्ट्रोड ओवर विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अब पॉजिटिव है तो ये दोनों SO4 2- आयन भी और OH- आयन भी दोनों माइग्रेट करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड कहता है कॉपर का, तो कॉपर की जो टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की वो ज्यादा होती है, तो इसलिए instead of OH- और SO4 2- आयन कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cu2+ की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉपर की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है बजाय OH- और SO4 2- आयन से। तो यहां पर नेगेटिव आयन डिस्चार्ज नहीं होंगे बल्कि एनोड से कॉपर कॉपर आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है एक्सटर्नल सर्किट से ये पहुंचेंगे कहां, कैथोड पर। कैथोड यहां पर नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड इज द इलेक्ट्रोड ओवर विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। यहां पर नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव आयन जाएंगे Cu2 plus B और H plus B। तो अगेन क्योंकि Cu2 plus कॉपर का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा होता है H plus से, तो कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा, तो Cu2 plus आयन will gain two electrons और will get deposit over cathode in the form of copper। समझ में है? यानी नेट रिजल्ट क्या हुआ? नेट रिजल्ट ये हुआ कि कैथोड पर सॉल्यूशन से कॉपर आयन डिपॉजिट हो रहे हैं जबकि एनोड पर इलेक्ट्रोड से कॉपर आयन
इक्विवेलेंट अमाउंट में कॉपर आयन सॉल्यूशन में आ रहे हैं, ठीक है। तो नेट रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज हियर द कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम सॉल्यूशन एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर आयन कम्स इन द सॉल्यूशन फ्रॉम एनोड, ठीक है। सॉल्यूशन से कॉपर आयन जितने डिपॉजिट हो रहे हैं ना कहां कैथोड पर, उतने ही कॉपर आयन आ रहे हैं इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में। और ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का यूज हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इम्प्योर मेटल का तो हम बना देते हैं एनोड और प्योर मेटल का हम बना देते हैं कैथोड, ठीक है। ये अब इम्प्योर का हमने एनोड बना दिया और ये हो गया कैथोड और ये वाला हो गया एनोड। अब इस को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब होगा क्या कि यहां से ये मेटल आयन धीरे धीरे लिबरेट करता रहेगा और ये मेटल आयन सॉल्यूशन से इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, धीरे धीरे ये इसके ऊपर एक्युमुलेशन होता जाता है और यहां पर से मेटल आयन निकलते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि सारा मेटल निकल जाता है और जो इंप्योरिटी बचती है वो यहां नीचे इकट्ठा हो जाती है, जिसे आप कहते हो एनोड मड, ठीक है। ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्शन वाला चैप्टर है, वहां पर डिस्कस करेंगे ये। फिलहाल इलेक्ट्रोलाइसिस में तो मैंने इसकी थ्योरी लिख दी है कि ये जो प्रिंसिपल है ये रिफाइनिंग में यूज होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। दिस प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, स्पेशली लाइक कॉपर है, सिल्वर है, लेड है एक्सेट्रा। यहां पर हियर एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल, ठीक है, और वाइल कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर। तो क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और इम्प्योर मेटल से मेटल आयन प्योर मेटल के आयन सॉल्यूशन में आते चले जाएंगे एंड दीज मेटल आयंस विल गेट डिपॉजिटेड ओवर द कैथोड, ठीक है। और इस तरह से एनोड में से जो प्योर मेटल है वो निकल जाएगा और लास्ट में जो इम्प्योरिटी है वो एनोड वाले बेस पे नीचे सेटल हो जाती है, जिसे एनोड मड कहते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंस है, कई सारी इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोलाइसिस की। एक तो यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में है। दूसरा इन इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा हम हैवी वाटर भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इज इट क्लियर? तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक कंप्लीट।